اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रबली सदरी ओ सरली अमरी वाह कौली रसूल लाह सल्ह वसलम ने फरमाया सूरतबरा पढ़ा करो इसका पढ़ना बायस बरकत है और इसको छोड़ना बायस हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हकीकत यह है कि सारा कुरान ही हमारे लिए एक बुरहान है हमारे लिए एक रोशनी है वाजि दलील है नूर है लिहाजा हमारे लिए लाजम है कि हम इसको मजबूत पकड़ लें और इस पर करें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इशाद बारी ताला है या बनी इसरा फू ब अ इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा करो तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और सिर्फ मुझ ही से डरते रहो इसराइल कौन थे इसराइल के बच्चे इसराइल की औलाद और इसराइल कौन थे याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलील उनका ये लक़ब था और इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा जैसे अब्दुल्ला होता है तो उनकी नस्ल से जितने भी लोग दुनिया में आए वो सब बनु इसराइल कहलाते हैं अल्लाह सुबहान तमाम इंसानियत को ख़िताब करने के बाद अब ख़ास तौर पर उस उम्मत की तरफ मुतव है जो मोहम्मद अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक चुनी हुई उम्मत थी तो अल्लाह ताला उनको उनके इनाम याद करवा रहे हैं ऐ बनी इसराइल उद करो याद करो अपनी ज़बान से तस्करा करो अपने दिल में शुक्र महसूस करो और अपने अमल को उसके मुताबिक करो किस बात पर किस बात को याद करो नेमती, नेमत का लफ्स अगर जो मुफरत है लेकिन जमा में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि सिर्फ एक नेमत नहीं थी बनी इसराइल पर बेशुमार नेमतें थी दीनी भी और दुनियावी भी जिसकी तफसील आगे आती है उफ अल्लती नमतीम तो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर इनाम कें वफो बे अहदी और मेरे अहद को पूरा करो ओफ़ बे अहद कुम मैं भी तुमसे किए हुए अहद को पूरा करूँगा व इया या और सिर्फ मुझे से तुम डरते रहो बात यह है कि यहाँ पर नेमतों को याद करना दरअसल इस बात का एहसास दिलाना है कि शुक्रगुज़ार बंदे बनो और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह अल्ला ने तखिरी नबी भेजा है जो तुम्हारी जिंदगियों में ही आया है यानी इस वक्त जो बनू इसराइल को ख़िताब है वो उन लोगों को जो मदीना में क्योंकि ये सूरत मदनी है मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम के सामने मौजूद थे क्योंकि अल्लाह ताली के अहसानात को याद करना अल्लाह ताली को पसंद है और अल्लाह के अलावा बंदों के एहसाना को भी याद रखना चाहिए रसूल अल्लाह सल्लाम ने फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह के इनाम और एहसानात को बयान करना शुक्र है उनका ज़िक्र करना शुक्र है और उसको छोड़ देना ना शुक्रिया है लिहाजा नेमतों का जिक्र करते रहना चाहिए उन पर खुश होना चाहिए और नमतों पर नज़र रखनी चाहिए और फिर नेमतों का शुक्र कैसे अदा होगा सिर्फ ज़बान से ही नहीं बल्कि वो काम करके जिसका हुक्म दिया गया और यहाँ क्या हुक्म दिया गया कि मेरा वो अहद पूरा करो जो तुमने मुझसे किया है और वो क्या था कि वो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाएंगे और उन अल्लाह सुबहान तहकाम को मानेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा वो फिर मैं तुमसे जन्नत का वादा पूरा करूँगा तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त बख्शूँगा और आख़रत में भी तुम्हें कामयाबी से नवाजूंगा। बात यह है कि जो शख्स भी अल्लाह सुबहान किए हुए वादे पूरे करता है उसके अहकाम की हिफाज़त करता है अल्लाह सुबहान उसकी हिफाजत फ़रमाता है सुन तिर्मिजी की रिवायत में आता है अह फल्ल का अह फजिला तद हु आपने फ़रमाया अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा हम सब चाहते हैं ना कि हर तरह की मुसीबतों से हमारी हिफाजत हो तो अल्लाह की हिफाज़त जब आती है जब बंदा अल्लाह तला के अहकाम की हिफाजत करता है अल्लाह की हिफाजत करो यानी उसके अहकाम की हिफाजत तुम उसे अपने सामने पाओगे यानि तुम्हें वो करीब महसूस होगा और फिर ये कि ख़ास तौर पर अल्लाह से डरते रहो और यहाँ डर के लिए राहब का लफ्स इस्तेमाल हुआ है जो शदीद खौफ के लिए आता है यानी अल्लाह यानि अल्लाबहान के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए डरना जो है लाजिम है क्योंकि जब इंसान किसी से डरता है तो फिर उसकी बात भी मानता है व ولا تكونوا वन كافرين बि ولا तशतरु बया तीस मनम कलीला व्या और ईमान ला उस किताब पर जो मैंने नाजिल की इशारा है कुरान की तरफ जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो पहले से तुम्हारे पास है इशारा है तौरात की तरफ यानि कुरान तुम्हारी किताब यानी जो मुसलम की तरफ नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक करता है और फिर वला तकुनु अव्वला का फिर और तुम सबसे पहले इसका यानी कुरान का और कुरान को लाने वाले का इनकार ना करो उसके साथ कुफर ना करो क्योंकि तुम अहले किताब हो तुम दीन जानते हो तुम्हें आने वाले पैगंबर की निशानियां मालूम है तुम अल्लाह के कलाम को भी पहचानते हो कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं अल्लाह ही का कलाम है लिहाजा इसका इनकार ना करो और पहले मुनकर ना बनो यानी बनी इसराइल में से तुम अगर ये इनकार करोगे तो तुम्हारे पीछे बाकी कौम भी इनकार करेगी नबी सल वसम ने फरमाया था कि अगर इन में से बारह अहबार जो हैं इनके बारह भी मुसलमान हो जाएं तो ये बाकी सब मुसलमान हो जाएंगे होता ही है कि जो लीडर्स होते हैं जब वो इनकार करते हैं किसी चीज़ का तो कौम उनके पीछे चल पड़ती है और जब किसी उम्मत के अंदर उसके बिगड़ जाते हैं तो फिर उम्मत बिगड़ जाती है क्योंकि वो तो अपने बड़ों की पैरवी कर रही होती है लिहाजा इनको समझाया जा रहा है कि तुम दुनिया वालों के लिए एक मिसाल हो अल्लाह ने तुम्हें चुना था तुम इस पैगम्बर का साथ दो उसका इनकार ना करो और मेरी आयात के बदले थोड़ी सी कीमत मत लो क्यों इनकार कर रहे थे दुनिया के फायदों की खातिर इसलिए कहा कि मेरे मेरे दीन को मत बेचो और सिर्फ मुझे से डरते रहो व ई या फून ये वही एक्सप्रेशन है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं या का नाबुदू व ई या का ये ताक़ीद के लिए ख़ास करने के लिए आता है कि सिर्फ तुझी से ख़ास तुझी से ही हम डरते हैं तो यहाँ भी व ई या फतकोन सिर्फ मुझे से तक मेरा ही तकवा इख्तियार करो और फिर आप देखिए कि अहले किताब में से जो शख्स इस दीन पर ईमान लाता है कुरान पर ईमान लाता है रसूल पर ईमान लाता है उसके लिए दुगना अजर है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमी हैं जिनका अजर उन्हें दो बार दिया जाएगा एक बार मिल जाएगा फिर दूसरी दु, दु, दफा फिर दिया जाएगा अल्लाह ताला इतना राजी होता है उनसे अहले किताब का वो आदमी जो अपने नबी पर ईमान लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को पाया तो आप पर भी ईमान लाया और आपकी पैरवी की आपकी तस्दीक की तो उसके लिए दो अजर हैं और फिर ये कि अल्लाह से डरते हुए इंसान तकवा की राह पे चलते हुए ही ये काम कर सकता है वो ला तल बिसक का बिल बातिल व तक तुम्ल का वन तुम तम और तुम हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और न सच्ची बात को छुपाओ हालांकि तुम जानते हो वाला तल्बिसू। तल्बिसू के दो मानी है। एक है और फिर हक को छुपाने के लिए बातिल का इस्तेमाल मत करो यानी बातिल को ऊपर ना करो और हक को पीछे ना कर दो क्योंकि हक को छुपाने पर हदीस में भी वहीद आती है हक किसी के पास भी हो उसे बयान करना चाहिए चाहे दुनियावी मामला में हो चाहे दीन के मामला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए इल्म की बात और वो उसे खामखा छुपाए यानी दूसरे को ना बताए तो कयामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम में से एक लगाम दी जाएगी यानी जब आपको एक सही बात मालूम हो तो फिर उसका जिक्र करना ज़रूरी है फरमाया व तक तुम्ह का तुम हक़ को छुपा रहे हो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला हक है यही किताब हक है आखिरत अक है जन्नत हक है जहनम हक है ये सारी चीज़ें बरहक है लेकिन तुम लोगों के सामने इसका ज़िक्र नहीं करते तुम इनकी तस्दीक नहीं करते और जानते बूझते हुए तुम ये काम कर रहे हो तो याद रखिये जहालत में भी गलत काम करना बुरा है लेकिन इल्म आने के बाद फिर कोई गलत काम इंसान करे तो वो उससे भी बुरा है वह अकीम उसला तवात ज़कात व कमर्रा के ईन और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो यहाँ नमाज कायम करने की ताक़ीद की जा रही बनी इसराइल पर भी नमाज फ़र्श थी लेकिन उनके यहाँ भी नमाजों से ऐसी गफलत हुई जैसे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर है लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान हैं लेकिन मस्जिदें खाली हैं मस्जिदें आबाद नहीं घरों के अंदर नमाज नहीं नमाज का वक्त होता है और लोग सो रहे होते हैं नमाज का वक्त होता है लोग काम पर होते हैं और नमाज की परवाह ही नहीं करते उसको या तो बहुत ताखीर से पढ़ते हैं या कजाई कर देते हैं तो यहाँ पर ताकीद की जा रही है अकीम सलात और ही जैसे बताया गया था कि अकीम सलात में उसके तहारत का पूरा अहतमाम करना औरत की पाबंदी करना और उसके सारे जो एक्शन हैं उनको परफेक्ट तरीके से अदा करना मुराद है और सिर्फ़ ज़ाहरी चीज़ें नहीं दिल का खुशबू भी ज़रूरी है अबू दरदा कहते हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं वह तो ज़क़़त और ज़क़़त अदा करो नबी सल्ला वम ने फरमायाल्ला तकवा इख्तियार करो अपनी पाँचों नमाज़ें अदा करो एक महीने के रोजे रखो और दिल की खुशी से अपने माल की जक़़त अदा करो जकवात को जुर्माना ना समझो चट्टी ना समझो बल्कि खुशी से खर्च करो क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह का चेहरे का दीदार करेंगे जो खुशी से ज़क़़़त अदा करते हैं और अपने अमीर की इतात करो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे और फिर खास तौर पर नमाज का जिक्र करने के बाद अलग से रुकू का जिक्र किया गया क्योंकि रुकू जो है वो नमाज का एक बहुत अहम रुकन है अगर ये मिस हो जाए तो नमाज ही नहीं होती और सिर्फ मिस करने की बात नहीं बल्कि दुरुस्त तरीके पर इसकी अदायगी ज़रूरी है और दुरुस्त तरीके पर अदायगी किस तरह है कि जैसे आप क्याम कर रहे हैं और रुकू में जाएं तो आपकी पूरी कमर झुकनी चाहिए और झुककर पूरी स्ट्रेट हो जानी चाहिए इल्ला ये कि कमर की कोई तकलीफ है किसी को और वो झुकने से कासिर है यानी बिल्कुल इस तरह जैसे सीधी हो गई और ना तो ऊपर उठी भी हो और ना नीचे को बिल्कुल मुड़ी भी हो सीधी सामने हो क्योंकि अबू मसूद बदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज काफी ना होगी जिसमें आदमी अपनी पुश्त को रुकू और सुजूद में सीधा ना रखे वो नमाज पूरी अदा नहीं होती वो नाकिस होती है इसी तरह इमाम तिरबजी कहते हैं कि इमाम शाह इमाम अहमद राहुया वो कहते हैं कि जिसने रुकू और सुजूद में अपनी पीठ सीधी नहीं रखी उसकी नमाज फासद है यानी वो कबूल नहीं होगी तो इसलिए आप सब आज के अमली निकात में एक नुक्ता जरूर याद रखें कि रुकू करके किसी को दिखाएं कि कहीं मेरी पुश्त ऊपर या नीचे को तो नहीं झुकी हुई है या ज्यादा ऊपर तो नहीं है मेरा रुकू ठीक है क्योंकि यहाँ खास तौर पर अलग से रुकू करने का जिक्र किया जा रहा है अतरुम क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो तुम्हें मालूम है कि नेकी का हुक्म देने के साथ साथ उस पर खुद अमल करना भी जरूरी है क्या तुम अकल से काम नहीं लेते यहाँ अकल की बात की जा रही है मसलन एक शख्स दूसरों के कपड़े धो रहा हो और अपने कपड़े उसके मैले हों तो आप क्या कहेंगे कि इसको दूसरों की फिक्र है और अपनी फिक्र नहीं तो जो चीज हम दूसरों के लिए कर रहे होते दूसरों के लिए पसंद कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने लिए उस अपने आप से उसके का आगाज़ करना चाहिए और हमारे दीन में तरतीब भी यही है मसलन अगर आपको किसी के लिए दुआ करनी है तो सबसे पहले अपने लिए करें जैसे रबना फिरली वो लिदिया वो मोमिनीना पहले अपनी बख्शिश फिर वालदेन की बख्शिश और फिर सारे मोमिनों की बख्शिश तो इसी तरह जब नेकी का कोई काम पता चले तो पहले खुद उस पर अमल करना और अमल की नीयत से ही सीखना और फिर उसके बाद अपने घर वालों को सिखाना क्योंकि ये ना हो कि सारी दुनिया में हम रोशनी फैला रहे हैं और अपने ही घर में अंधेरा हो और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर लोग आते हैं और इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप कुछ चीजें कर रहे हैं और कुछ नहीं तो किसी को कुछ भी ना बताएं यानी कोशिश में लगे रहे हैं और बाकत यह भी होता है कि इंसान जब बताने लगता है तो इतहाई शर्मिंदगी और ज़मीर की कसक उसके आड़े आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो हर वक्त दूसरों को प्रीच करते हो और अपने आप को देखो और याद रखिए कि अगर इंसान इस बात की फ़िक्र ही नहीं करता और उसको कंसर्न सिर्फ़ दूसरों से और इसमें आम रोज़ मेरा ज़िंदगी में भी हम देखें कि बाज़ हमें दूसरों से तो बड़ी शिकायतें होती फला ये नहीं करता फला यहाँ गलत है उसका यह तरीका गलत है उसका ये काम गलत दुनिया भर पर तबसरे करते हैं और अपनी गलतियों का पता ही नहीं होता और उनकी इसलाह की फ़िक्र नहीं होती तो ऐसे में याद रखिए रसूल अल्लाह वम ने फरमाया इसरा वाली रात जब मैं मैराज पे आप गए थे मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके मुंह आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे जिनके मुंह आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे मैंने पूछा ये कौन लोग हैं बताया कि ये दुनिया के ख़ीब हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे और किताब की तिलावत करते थे क्या ये अकल से काम ना लेते थे आप सोचिए कि उनके मुंह आग की कैंची से क्यों काटे जा रहे थे उनकी जबान क्योंकि वो सिर्फ दूसरों को नसीहतें करते थे और खुद वही काम करते थे अल्लाह से नहीं डरते थे और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे नेकिया जो पहाड़ों की जैसी होंगी सब उड़ा दी जाएंगी कि जो पब्लिक में तो बड़ा नेक बने और तन्हाई में बुरे काम करे छुप छुप कर गलत काम करे इल्ला और और नमाज से मदद लो। बेशक वो बहुत भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजी करने वाले यानी अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल है कि किसी नेकी पर खुद अमल को दिल नहीं चाह रहा तो अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो क्योंकि सब्र नेकी करने के लिए भी चाहिए होता है और गुनाह से रुकने के लिए भी सब्र चाहिए होता है और तीसरे अल्लाह की इताअत के कामों के अलावा गम और दुख और परेशानी और मर्जी के खिलाफ पेश आने वाले हालात हैं उन पर सब्र करना भी ज़रूरी होता है और फिर इसमें ख़ास तौर पर नमाज बड़ी मदद देती है अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कानू फ

وَتَرْكَهَا ولا تستطيعها <الْبَطَنَة> कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मसला दरपेश होता कोई प्रॉब्लम दरपेश होता तो नमाज पढ़ने लगते थे उसका तो फायदा ये होता है कि एक तो इंसान को उससे ब्रेक मिल जाती है वो जो कंटिन्यूसली एक परेशानी जहन में चल रही होती है उस वो एक तरफ हो जाती है आप अल्लाह की तरफ मतवज हो जाते हैं वज़ु करने से आपकी तबीयत अच्छी होती है फिर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर आपको का रोना आ जाता है अल्लाह के सामने फिर आप तवज्जो से दुआ करते हैं फिर अल्लाह के करीब अपने आप को महसूस करते हैं तो ये सारा अमल जो है ये आपको एक रिलैक्सेशन अता करता और आपके लिए वो बड़ी भारी मुसीबत यानी कि जो बहुत बड़ा मसला आपकी जिंदगी में पेश आया हुआ है वो आपको हल्का महसूस होने लगता है असल में किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी जो है वो उसके मुताबिक होती है जो हम महसूस कर रहे होते हैं मतलब पांच किलो का डिब्बा अगर एक जवान ने उठाना हो तो वो यूं करके उठा लेता है और एक बूढ़ा शख्स उठाने लगता है जिसकी हिम्मत नहीं तो वो शायद उठा भी ना सके तो इसी तरह बड़े बड़े मसाल होते हैं लेकिन जिन लोगों के अपने अंदर एक स्ट्रेंथ होती है वो उन मसायल को कुछ नहीं समझते और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है उसब्र से आती वो नमाज से आती वाहला करने और चीखने चिल्लाने और बेहुदा हरक़त करने और दूसरों को ब्लेम करने और गाफिल होने और ज़बान से बेथुकी बातें निकालने से इंसान को स्ट्रेंथ नहीं मिलती बल्कि उसका मुरैल पहले से भी गिर जाता है तो इसलिए इंसान को अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज़ होना चाहिए और साथ साथ दुआएं करनी चाहिए वह अनः कबीरतन ख़ाश इन और यकीन वो बड़ी भारी है नमाज बड़ी मुश्किल है सिवाय डरने वालों के खुशबू करने वालों के यानी खुशब से मुराद वो लोग जो अल्लाह ताला के आगे आजजी इख्तियार करते हैं अल्लाह को बड़ा समझते हैं अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी मुश्किल हल कर देगा और फिर उनका दिल मुतम हो जाता है और सुकून पा जाता है और फिर उनको ये यकीन होता है कि हमारा रब है जो हमारी मुश्किल आसान करेगा और फिर इस मुश्किल के लम्हे लम्हे पर मेरे लिए आखरत में अजर है तो जिसको अजर और सवाब की उम्मीद हो उसके लिए नेकी करना कुछ मुश्किल नहीं होता उसके लिए नमाज मुश्किल नहीं है क्योंकि उसको पता है ये मेरे मसाइल का हल भी है और मेरे लिए दर्जा की बुलंदी का ज़रिया भी हर सजदे के बदले इंसान का एक दर्जा बुलंद होता है तो जितनी नमाजें पढ़ेगा फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल भी उतने दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे जिसको ये यकीन होता है वो उसके लिए नमाज मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनको नमाज से मिलेगा क्या इसलिए नमाज की तरफ लपकते हैं अल्लाकूर अब अनुम जो वो जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं यहाँ ज़न का लफ्स इस्तेमाल हुआ है जो आमतौर पर गुमान के माने तो में तो उर्दू में ज़न व गुमान आता है लेकिन कुरान मजीद में ज़न का लफ्स जहाँ भी आया है यकीन के मानों में आया है कि वो यकीन रखते हैं कि अपने रब से मुलाकात करने वाले एक दिन तो अपने रब के सामने झाकड़े होंगे तो ये नमाजें क्या हैं छोटी मुलाक़ातें हैं अपने रब से और असल मुलाकात तो क़्यामत के दिन होगी और उसी की तरफ वापस जाना है तो इसलिए उसकी तैयारी तो करनी ही करनी है जब आपको कहीं जाना होता है तो आप उसकी तैयारी करते हैं आप उसके बारे में सोचते हैं यहाँ आना होता है तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं इसी तरह जो लोग आखिरत के बारे में वापसी का सोचते हैं तो वो प्लानिंग करते रहते हैं कि कौन कौन से नए काम करें और उसमें टॉप प्रायोरिटी पर उनकी नमाज होती है जिसको सामने रख कर बाकी तय होती हैं सारे टाइम टेबल्स उसके मुताबिक बनते हैं ना कि नमाजें आखिरी चीज फिर दोबारा बनी इसराइल को खिताब है या बनी गुरु नेम तोमीन बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी और यह कि मैंने ही तुम्हें तमाम जहान वालों पर वजी फजीलत बख्शी थी अब यहाँ नेमत की कुछ तफसील बयान कर दी गई है और वो क्या है कि मैंने सारी दुनिया वालों पर यानी दुनिया में तुम्हारे होते हुए और भी कई कौमें थी ऐसा नहीं कि जब बनी इसराइल दुनिया में थे तो वही वाद एक कौम थे दुनिया में और भी बहुत सी कौमें थीं मुख्तलिफ इलाकों में और आप आज जानते हैं कि कई तहजीबें जो हैं जैसे यूनानी तहजीब है चीनी तहजीब है और बहुत से अखवा हैं वो उनकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है लेकिन अल्लाह साल ने उन अखवाम को छोड़ कर इनको चुना अपने दीन के काम के लिए लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए हन्नी फ्दल तो कोल्लामीन लेकिन इन्होंने उसका कोई पास न किया और इस नमत की कदर नहीं की और फिर न सिर्फ ये कि इनको दीनी अतबार से चुना बल्कि इनके अंदर कई बादशाह भी भेजे सूरत में आता है उस गुरु ने अमर इज जाफी कुम अम्बिया व व जातामीन अपने ऊपर अल्लाह की नमत याद करो जब उसने तुम में अम्बिया बनाए तुम्हें, तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया ये अजीम नमतें दीनी भी थी और दुनियावी भी थी याद रखें नेमतें तो सारी अल्लाह ही की तरफ से होती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत होती है दीन की नेमत होती है यानी पूरी दुनिया भी कुर्बान कर दी जाए तो इसके मुकाबल कोई चीज़ नहीं है जो हमें दीन देता है या इस इस्लाम की जो दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता की है इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं क्योंकि यही असल कामयाबी और निजात का जरिया अगर हमारे पास कानून के खजाने भी हों लेकिन अगर दीन नहीं तो कोई कामयाबी नहीं कोई फायदा नहीं तो इसीलिए अल्लाह सुबहान इनको फरमाते कि मैंने तुम्हें बाकी सब पर फजीलाता की वतन ला तजी नफ़सुन अन नफसिन शै और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान के कुछ भी काम न आएगी यानी चाहे अम्बिया कराम हो सालिन हो वो किसी अपने करीबी रिश्तेदार के भी काम नहीं आ सकेंगे शईआ कुछ भी थोड़ा या ज्यादा यहाँ दरअसल यहूद के बनी इसराइल के एक धोखे की असलाह की जा रही है वो कहते थे नाहनू अब ना वाहिबाऊ हम अल्लाह के बेटे और उसके बड़े चहीते हैं इसलिए हमें तो कोई मसला नहीं हम तो सीधे जन्नत में जाने वाले हैं तो बताया गया कि नहीं वलायकबलुमिन शफाअतुन ना उससे कोई सफारिश कबूल की जाएगी वलायु अदलुन और ना ही उससे कोई बदला कबूल किया जाएगा वला और ना ही वो मदद दिए जाएंगे यानी क्यामत के दिन ना कोई अजीज प्यारा रिश्तेदार ना कोई नेक ना कोई वली साले किसी के काम आएगा और ना ही कोई किसी की इस तरह अल्लाह केजन के बगैर सफारिश करेगा ना ही किसी माल का कोई फदिया कबूल किया जाएगा और कोई किसी को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बचाव का सामान करके जाए और इसी का नाम तकवा है तकवा कहते हैं बचाव को यानी वो चीज़ जो मुश्किल वक्त में काम आ जाए और हमें मुश्किल से बचा ले और वो है अल्लाह का डर अल्लाह के डर से अल्लाह की इताद और अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचना याद रखिए जब यह आयत नाजिल हुई कि व अनज रशीर तकल अक़्रबीन अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइए तो सल्लल्लाहु अलैहि ने कुरैश को बुलाया जब वो जमा हो गए तो आपने सबको खास करके खानदान के लोगों के नाम ले लेकर फरमाया काब बिन लोई की औलाद अपने आप को आग से बचा लो ऐ मुर्रा बिन काब की औलाद अपने आप को आग से बचा लो ऐहद शम्स की औलाद अपने आप को आग से बचाओ ऐ अब्द मुनाफ की औलाद अपने आप को आग से बचाओ ए हाशिम की औलाद अपने आप को आग से बचाओ ऐ मुत्तलिब की औलाद अपने आप को आग से बचाओ ए फातिमा अपने आप को आग से बचाओ बेशक मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता सिवाय इसके कि तुम लोगों के साथ मेरा रिश्ता है मैं इसे इसी तरह जोड़ता रहूंगा जिस तरह जोड़ना चाहिए यानी दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हर हाल में हुसन सलूक करता रहूंगा लेकिन आखिरत के अजाब से नहीं बचा सकता वला उकबलुमिनहा शफाआ सफ़ारिश भी फ़ायदा न देगी कोई वसीला काम नहीं आएगा वहाँ सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे वला हजु मिनहा अदल किसी से कोई बदला फिदिया भी कबूल नहीं होगा सही बुखारी में आता है कि काफिर ज़मीन भर सोना फिदीय में देने की ख़्वाश करेगा लेकिन वो उससे कबूल ना किया जाएगा वला हम युसर कोई मदद को नहीं आएगा क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होगी नफसी नफ़सी, वो निन यु नबनाजीम और जब हमने तुम्हें आले फ़िरौन से निजात दी वो तुम्हें बहुत सख्त तकलीफ देते थे वो तुम्हारे बेटों को जबह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी कहा जाता है कि फिरौन ने इसमें इसराइली रिवायात बहुत सी हैं लेकिन एक रिवायत के मुताबिक फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिससे वो डर गया वो खाब यह था कि बैतलमस से एक आग निकल कर मिसर में पहुंची है और किप्तियों के घरों में तो दाखिल हो गई है मगर बनी इसराइल के घरों में दाखिल नहीं हुई यानी उसने फिरौनियों को जला दिया है तो जब उसने ताबीर पूछी तो बताया ये गया कि उसकी हुकूमत का जवाल यानी फ़िरौन की हुकूमत का जवाल बनी इसराइल के एक शख्स के हाथों होगा अब हुआ ये कि फिरौन को तो पड़ गई कि अब क्या होगा लिहाजा उसने लोगों से मशवरा किया कि इसका बचाव कैसे हो तो उसने कहा कि बेहतर यह है कि इसराइल के बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा दो उसने कत्ल करवाना शुरू कर दिया अब हुआ ये किप्ती आ गए कि ये तो सारी नस्ल खत्म होने लगी है तो हमारे काम कौन करेगा क्योंकि बनी इसराइल तो उनके खादिम थे उन्हीं से सारी मशक्कतें करवाते मजदूरियां कराते जो बने और ये सारी चीजें तो बड़े बड़े मशक्कत के काम करके सख्त अजियत में मुब्तला करते थे तो वो उन्होंने कहा अब फिर क्या किया जाए कहा इस तरह करो कि एक साल जबा करो और एक साल छोड़ दो तो इसी जिस साल हारून अलम पैदा हुए वो जिंदा छोड़े जाने वाले बच्चों का साल था तो वो बच गए और जब मूसा सलाम पैदा हुए तो वो साल बच्चों को मारे जाने का था तो अब हुआ ये कि अल्लाह की कुदरत से उम्म मूसा जो थीं उनका हमल किसी जाहिर ही नहीं हुआ उन्होंने खामोशी से बच्चे को जन्म दिया और इससे पहले कि किसी को पता चले क्योंकि घर घर की तफ्तीश होती थी कि कहीं को बच्चा तो नहीं पैदा हो रहा ताकि उसको मरवा दिया जाए तो अब जो ही ये पैदा हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इनको बास्केट में डाल के दरिया के हवाले करो और अल्लाह सुबहान तारा टेक केयर करेगा तो बहरहाल अब क्या हुआ कि हमने तुम्हें निजात दिया आले फिर से वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे यानी तुमसे जबरी मशक्कतें लेते थे जबरी मशक्कत होती है ना कि रिवार्ड कुछ ना देना लेकिन काम खूब करवाना बगैर मुआवजे के काम कराना और मुश्किल तरीन काम करवाना और भूखा प्यासा रख के काम कराना और धूप और गर्मी में काम करवाना यानी फिरओनी अपनी तमदन और शान और शौकत और तरक्की के लिए सारी खिदमत तुमसे लेते थे और फिर उसके बाद मजीद मुसीबत क्या आई कि तुम्हारे बेटों को जब करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे लड़कियों को कुछ नहीं कहते थे लड़के सारे मरवा रहे थे बलाउन। और इसमें एक आजमाइश थी मेरे को रब की तरफ से बहुत बड़ी। यानी बज़ाहिर तो यूं लग रहा था जैसे फिर ओन ये मुसीबत डाल रहा है लेकिन हकीकत यह है कि ये इम्तहान अल्लाह की तरफ से था

तो वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है एक आजमाइश होती है ताकि ये कौम जागे ये इंसान जागे एक इंसान में बहुत पोटेंशियल होता है लेकिन वो वक्त ज़ाया कर रहा होता है वस्ती कर रहा होता है वो बेकार कामों में लगा होता है तो अल्लाह ताला उसे किसी ऐसे हादसे से दो चार कर देता है कि उसकी आँखें खुल जाती हैं कभी वो दीन की तरफ पलट आता है कभी वो दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है अगर जो बलाक लफ्ज है अरबी में दोनों तरह से इस्तेमाल होता है यानी अच्छे मानों में भी और बुरे में भी व नूकुम बिलखैरी व शर्र फितना तो यहाँ पर एक माना यही किया गया कि तुम्हारे लिए ये इम्तिहान अल्लाह की तरफ से था और दूसरा ये कि ये एक इम्तिहान तो आया लेकिन इसके ज़रिए ख़ैर भी फूटी कि सलाम को अल्लाह अल्ला ने बचा के तुम्हारे लिए आज़ादी का इंतज़ाम किया तो वो पीछे फरमाने कि तुम पर इनामात किए अब ये मुसलसल इनामात की तफसील आ रही है व इस फरक ना बिकुमुल बहरफा فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ वकना फ्राउन व अन तुम तंजरून और जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया फिर हमने तुम्हें निजात दी और आले फ़िराउन को हमने गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे फिर को समुंदर में गर्क कर दिया यानी हुआ ये था कि अला सुबहान तूसल को हुक्म दिया कि वो अपना असाम मारे समुद्र पर तो कहते हैं कि उससे बारह रास्ते निकल आए और फिर बनी इसराइल जो थे अपने जो बारह कबीलों में थे अपने अपने रास्ते पर वो समुंदर पार कर गए लेकिन फिर ऑन जो कहता था ये सारी नहरें और ये दरिया मेरे हैं वो उसी समुद्र की या दरिया की लपेट में आ गया और यहाँ पर आप देखे कि ये खास मुआजा था सलाम का और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम था कि किस तरह पानी के अंदर से इनके लिए रास्ता बना वह अगरक ना आला फिर आल कोर को और आल जो होती है उसमें सबसे पहले घर वाले होते हैं ये असल में अल था अल लेकिन हमजा को हमजा मुदगम करके करके अल बन यानी हा में बदली वो तो यानी फिर अहल ये असल में अहल था लेकिन फिर ये आहल से आल बना और यानी मुरादाले और अतबा फॉलोअर्स यानी जो भी फिर उनके फॉलोअर्स थे उसकी अपनी कौम वो सब मुराद हैं वो अंतुम तंजरून और तुम देख रहे थे तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को गर्क कर दिया जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था ये भी किसी पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है कि वो इंसान कमज़ोर हो वो बदला ना ले सकता हो लेकिन अल्लाह सुबहान तरफ से बदला ले ले और यहाँ यही हुआ है इसलिए हम देखते हैं कि जिस रोज़ बनी इसराइल को निजात मिली थी तो मूसा सलाम बतौर शुक्र उस दिन का रोज़ा रखा करते थे यानी शुक्राने का रोज़ा रखते थे और ये आशूरा का रोज़ा दस मुहर्रम का रोज़ा जो है उसकी तरफ इशारा है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला से आशूर के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये गुजरे हुए एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है तो और ये भी एक जगह फरमाया कि हम मूसल की ज़्यादा हकदार हैं कि हम उनकी पैरवी करें क्योंकि यहूद मदीना में ये रोज़ा रखा करते थे और जब हमने से चालीस रात का वादा लिया फिर तुमने इसके बाद बछड़े को मबूद बना लिया और तुम जालिम थे इस वाक़े का पस मंजर यह है कि ये उस वक्त हुआ कि जब फिर से निजात पाने के बाद बनु इसराइल जजीरा नुमाए सीना में पहुंचे वहाँ अल्लाह ने सलाम को देने के लिए चालीस रातों के लिए पर बुलाया के के जाने के बाद अव्वल वो तीस रातों के लिए गए थे एक्सटेंड हुई थी तो जब वो वापस नहीं आए तीस दिन के बाद तो उनकी कौम का जो एक शख्स था सामरी उसने कहा कि तुम अपने जेवरात मेरे पास लाओ मैं तुम्हें इलाह बना कर देता हूँ और मूसा का इलाह तो भूल चुका है और मूसा भी वहीं जाके कहीं मर गए हैं नौजबिला इसलिए हम अब अप अपना एक और इलाह बनाते बुनियादी तौर पर चूंकि फिर के साथ रहते थे और वो एक मश्रक कौम थी गा, गाय की पूजा करने वाली थी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल अपनी उसी पुरानी जहनीत में मुबतला थे अल्लाह ने उनको निजात दी थी उस सब से लेकिन आकर यहाँ सलाम के जाने के चंद दिनों बाद ही बछड़ा बना के उसकी पूजा शुरू कर दी तुम अफौना अनकुमला तशकुरून फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो यानी तुम्हारा ये शिरक भी हमने माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने तोबा कर ली थी और तोबा से बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ हो जाता है और इससे ये पता चलता है कि शर्क का गुनाह भी माफ़ हो जाता है तो अगर किसी को एहसास हो गया रियलाइज कर लिया कि जो मैंने किया वो गलत था और उसके बाद वो तोबा कर ले तो अल्लाह तौबा से गुनाह को माफ़ कर देता है कुरान मजीद में आता है वैयामसू अन फुम मस्त फिर यजिद्ला कफूर रहीमा जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या खुद पे जुल्म कर ले और अल्लाह से बख्शिश तलब करे फिर तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला खूब रहम करने वाला पाएगा यानी अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है यहाँ तक आता है कि अगर इंसान के गुनाह जमीन से आसमान तक को भर दे इस सारी फ़जा को भर दे और फिर इंसान अल्लाह से तोबा करे तो अल्लाह सुबहान तख्शिश के साथ उससे मिलेगा यानी इससे पता चलता है कि वो रब कितना रहमान और रहीम है यही माना है मेहरबान होने का और बार बार रहम फरमाने वाले का यानी आसमान की बुलंदियों तक भी गुनाह इस्तिग़फ़ार से माफ हो जाते हैं इसी तरह एक और जगह पर आता है और आदम, अगर जमीन के बराबर गुनाह ले आए और लेकर मेरे पास आए इस हाल में मुझसे मिले कि मेरे साथ शिरक न किया हो तो मैं तुझे इन गुनाहों के बकदर बख्श दूंगा इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इस्तिगफार को कसरत से शामिल करना चाहिए कि अल्लाह मैं उन गुनाहों की भी माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैं जानती हूँ और उनकी भी माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैं नहीं जानती क्योंकि आप देखिए कि चलते फिरते उठते बैठते बाज़त जानबूझ के बाजू का अकात अनजाने में कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं किसी की बुराई कर बैठते हैं किसी के साथ कोई जाति कर जाते हैं आ, बेशुमार चीज़ें हैं ऐसी कि जिनका हम कभी एहसास भी नहीं करते और वो हमसे होती चली जाती हैं तो इसलिए इंसान को अल्लाह की तरफ बार बार पलटना चाहिए वह इज़ आती नाम किताब किताबल फ़ुरक़ान अला और जब हमने मूसा को किताब और फुर्क़ान अदा की ताकि तुम हिदायत हासिल करो किताब से मुराद कौन सी किताब है मूसलम को कौन सी किताब दी गई थी तौरात और फुरकान से मुराद मोजात लिए गए हैं यहाँ खास तौर पर मूसलम के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि उनको बहुत सारे मोजात दिए गए थे असा बेजा और इसी तरह पत्थर पे असा मारने से चश्मों का फूट निकलना समुंदर पे असा मारने से यानी एक दफा पत्थर पे मारा तो पानी निकला और एक दफा पानी पे मारा तो वो जगह पत्थर बन गई कत्तल अजीम तो ये बेशुमार मोजाद थे जो सलाम को अता हुए थे ये क्यों अता किए थे लकुम तहतून ताकि तुम हिदायत पाओ तुम्हें हिदायत हासिल हो जाए तो यहाँ पर तौरात का जिक्र जो आया है तो बहरहाल तौरात जो थी उसके बारे में कुरान मजीद में आता है इन्ना अनजल ना तफ़ी व वनूर बेशक हमने तौरात उतारी थी जिसमें हिदायत और रोशनी है और आसमानी कुतुब के उतारे जाने का मकसद यहाँ बताया जा रहा है लकुम तहत ताकि तुम हिदायत पाओ लेकिन हम सिर्फ उसकी चैंटिंग शुरू कर देते हैं यानी उसको सिर्फ उसकी खूबसूरत रीडिंग शुरू कर देते हैं और उसको बाज सिर्फ वजीफ़ों में इस्तेमाल करते हैं जबकि उसको समझते नहीं हैं उससे रास्ता नहीं देखते उससे अमल के अमल के तरीक़े नहीं सीखते तो याद रखिए जो शख्स भी हिदायत का तालिब हो कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसे आसमानी किताब से हिदायत लेनी चाहिए कुल इन्न हुदल्लाही हुवल हुदा कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत वो दरअसल हिदायत है असल सीधा रास्ता वो है और फिर उसके बाद मोहम्मद वसल्लम जो राह दिखाए कुरान मजीद में आता वह इन्ना कल इला से मुस्तकीम के बेशक आप सीधे रस्ते की तरफ हिदायत देते हैं यानी मोहम्मद वसल्लम तो कुरान के बाद सुन्नत जो है वो हमारे लिए क्या है हिदायत का ज़रिया है और इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ना हिदायत की तरफ ले जाता है इंसान को व अतूबा व वक् اقراوا سورة البقرة فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله